गुड मॉर्निंग बच्चों, एक क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर ये क्वेश्चन करवा दीजिए, वो क्वेश्चन करवा दीजिए। तो ना यार, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम बस इतनी हो रही है कि मुझे नहीं मालूम कि आपका बेसिक क्या है। एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे ही थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और बिना कॉन्सेप्ट करवाए हुए मुझे सीधा क्वेश्चन बताना होता, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं कोशिश जरूर करता हूँ, पर बेटे कहीं ना कहीं आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन करवा तो देता हूँ, पर ये मान के चलता हूँ कि आपको पिछला नॉलेज है, मतलब जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लेके करवा रहा हूँ जो मेरे लिए मुश्किल है। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 सिक्योरिटी एनालिसिस का, और उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स पूछता है, कन्वर्जन प्रीमियम पूछता है, या प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू पूछता है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पूछता है। तो ये बच्चों को समझ भी नहीं आता कि है क्या यार, क्या चाह क्या रहा। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन उठाया हूँ उसमें से, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्वेश्चन नंबर 57 करवा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 कन्वर्टिबल डिबेंचर का, ऑप्शनल, मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर पे के मैं पा सर कि कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? कन्वर्टिबल डिबेंचर होता है कि अगर आप डिबेंचर्स खरीद लीजिए तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उन कन्वर्टिबल डिबेंचर को कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा सर, हमारी इच्छा है क्या? हाँ बेटी, ये ऑप्शनल है, मैं ऑप्शनल की बात करूं। आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो उसको नॉन कन्वर्टिबल कर सकते हो, मतलब आप कन्वर्ट ही मत करो तो भी चल जाएगा। अच्छा, और जब दिल कर रहा तब आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है, द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू 8.5% फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और ये कन्वर्ट किस में होना है? शेयर्स में। सर ये 8.5% क्या? दिस इज कूपन रेट, कि अगर हम डिबेंचर खरीदते हैं तो हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अच्छा, जब इश्यू किया था किस कंपनी ने? जेएसी लिमिटेड ने, तो 1,000 रुपए में इश्यू किया था, मान लो यही फेस वैल्यू है। इसका मतलब कि अगर हम डिबेंचर खरीदते हैं या खरीद लिया है तो हमको 1,000 पर 8.5%, मतलब 85 रुपए, ₹85 इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर। आज मार्केट प्राइस है 900, कन्वर्जन रेशियो दे रखा है 30। सर कन्वर्जन रेशियो का मतलब? का मतलब एक डिबेंचर को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो बदले में आपको 30, क्या है, 30 शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर दे रखा, पता ही नहीं क्या है, वो बाद में समझेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 25 रुपए दे रखा है, एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे रखा है ₹1, और बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा इस बात को, सुनना बेटे। ये है आपकी कंपनी, सर कंपनी का नाम क्या है? जे, क्या नाम था यार, जे ए सी लिमिटेड। इन्होंने जब डिबेंचर इश्यू किया तब 1,000 रुपए में इश्यू किया रहा होगा। आज उस डिबेंचर की मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर्स आज है 900 रुपए, ये लिखा हुआ 900। ठीक है, अब बेटे ये एक पर्सन है, सर क्या नाम है इसका? राम ले लेते हैं। अब राम गया जेईसी लिमिटेड के, और जेईसी लिमिटेड से बोल रहा है कि सुनो जेईसी लिमिटेड, आपके डिबेंचर की मार्केट प्राइस आज 900 है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब जेईसी लिमिटेड बोल रहा है, जैक लिमिटेड बोल देता हूँ, जैक लिमिटेड बोल रहा है, भाई क्या बात कर रहे हो, क्यों ज्यादा है, आप कैसे बोल सकते? बोले देखो, राम अब समझाने की कोशिश कर रहा, बोले आप ही की जैसी एक और कंपनी है, सिमिलर कंपनी। बोले ठीक है, ये थोड़ा मसाला लगा के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें। बोले इसके यहां भी बॉन्ड्स इश्यू होते, डिबेंचर इश्यू होते, हालांकि वो डिबेंचर कन्वर्टिबल नहीं है, वो डिबेंचर है
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। बोले ठीक है, अब बोलो। बोले जब मैंने यहाँ की यील्ड निकाला, यील्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझता है, यील्ड बोल सकता हूँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकता हूँ, या ये बोल सकता हूँ कि यहां से हम कमा रहे हैं, यील्ड बोल रहा हूँ कमा रहा है। बोले हमने यहां से कमा रहे हैं, यहां के अगर डिबेंचर खरीदते हैं तो यहां से कमा रहा है सपोज 12%। ये मन से लिखा है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, मन से लिखा है। बोले इस यील्ड के हिसाब से अगर मैं आपके डिबेंचर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। बोले कैसे निकालोगे? बोले देखो, 1,000 रुपए है और 1,000 पे हर साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8.5%। तो हर साल मुझे मिलेगा डिबेंचर खरीदने से 85, 85, पता नहीं कितने साल तक, और फिर जो रिडीमेबल वैल्यू वो मिलेगा, और उसको अगर मैं डिस्काउंटिंग करवा दूं, कितने यील्ड, कौन सा वाला ले रहा हूं मैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का, तो बोले उन सब से अगर मैं आपके डिबेंचर को कन्वर्ट नहीं करवाता हूं और उसको ऐसे ही रहने देता हूं, तो उसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 700 रुपए। जैसे आप इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते थे ना, वही वाला इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला, पर मैंने डिस्काउंटिंग रेट कौन से डिबेंचर का लिया है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का। तो बोले जेक लिमिटेड, आपके डिबेंचर की प्राइस है 900, जबकि आपके डिबेंचर को मैं खरीद लेता हूं आपकी कंपनी के मार्केट से और उसको मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, तो उस हिसाब से 700 रुपए आ रही है, और आप 900 रुपए दे का आपके यहाँ 900 रुपए चल रहा है मार्केट प्राइस, ऐसा क्यों? आप तो महंगे में आप तो लूट रहे हो। तो अब बेटे जैक लिमिटेड समझाएगा, बोले मेरे डिबेंचर की मार्केट में जो कीमत है वो चल रही है 900, और आप क्या बोल रहे हो, आपने रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न या डिस्काउंटिंग रेट कौन सी कंपनी का लिया? बोले आप ही की जैसी एक कंपनी है। बोले बस एक अंतर है, हमारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में। बोले हाँ, पर बताओ इस कंपनी के डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोले नहीं हो सकते। बोले ठीक है, अब बताओ आपके पास कहाँ ज्यादा ऑप्शन है? यहाँ आप चाहो तो इसको डिबेंचर की तरह भी होल्ड कर सकते हो, चाहो तो शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पर इस कंपनी के डिबेंचर्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं 700 की जगह, वैसे तो 700 होना चाहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे, पर 700 की जगह हमारे कंपनी के डिबेंचर मार्केट में 900 रुपए का बिक रहा, महंगा बिक रहा। अच्छा, बोले इट मींस ये महंगा क्यों बिक रहा है? महंगा सिर्फ इसलिए बिक रहा है क्योंकि हमारे पास बॉन्ड्स होल्डर या डिबेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन है कि वो कभी भी इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो बोले ये कौन सी वैल्यू हुई फिर जो 700? बोले जो 700 रुपए निकाला है ना, इसका एक नाम रख देते हैं। नाम? सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, या फिर इसका और नाम है स्ट्रेट वैल्यू। स्ट्रेट वैल्यू, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स कितना रुपए है यहां? 700। इन्वेस्टमेंट वैल्यू या स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स आया 700। सर ये कैसे निकाला गया? ये ऐसे निकाला गया कि फ्यूचर में जितना भी इंटरेस्ट होगा और जितनी भी रिडीमेबल वैल्यू होगी उसको डिस्काउंटिंग किया, यील्ड कौन सा लिया मैंने, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का, ये मान के कि ये हम कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, तो ये कितना आया? 700 रुपए। इसको हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू या स्ट्रेट वैल्यू बोल रहे हैं। पर बॉन्ड की मार्केट प्राइस पक्का ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहां हमारे पास ऑप्शन है, यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब बताओ बेटे, जैक लिमिटेड का जो बॉन्ड्स है मार्केट में वो या डिबेंचर कितने का बिक रहा? 900, जबकि उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 700। बता सकते हो बॉन्ड्स महंगा बिक रहा है? हाँ थोड़ा सा महंगा है। इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है ये प्रीमियम पर है। कितने रुपए प्रीमियम पे है? महंगा है तो महंगा मतलब प्रीमियम पे, 200 रुपए प्रीमियम पर है। तो क्या परसेंटेज निकाल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 200 रुपए ज्यादा है? तो परसेंटेज बताइए। तो कभी कभी क्वेश्चन में, मैं यहां धीरे धीरे अलग अलग बातें करूंगा, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, पॉइंट नंबर वन ऐसे लिख देता हूं, आपसे पूछ सकता है प्रीमियम ओवर
इन्वेस्टमेंट वैल्यू या प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू। सर ये 700 रुपए आप निकाल रहे हो बेटे, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है निकालने की। अब बताओ बेटे कि बॉन्ड्स जो है वो 200 रुपए महंगा बिक रहा है, जी हाँ, तो परसेंटेज बता सकते हो कि। तो बेटे फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला है, पर मैं बिना फॉर्मूले के 900 माइनस 700, 200 रुपए महंगा। अब बात है कि डिवाइड किससे करे, बेस क्या करे, तो बेस प्रैक्टिस मैनुअल ने बॉन्ड का मार्केट प्राइस भी ले रखा है कहीं कहीं, और बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ले रखा है, और दोनों भी दे रखा कि ऐसे कर लो या ऐसे करो। पर ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 700 लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालना, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज्यादा महंगा बिक रहा है बॉन्ड्स, और इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर देख लेते कितना आ रहा परसेंटेज में, मांगा है कि नहीं मांगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं कर रहा हूं माइनस 700 डिवाइडेड बाय 700 इनटू 100, तो परसेंटेज आ गए 28.57%। ये क्या निकाला मैंने, प्रीमियम ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब सुनते जाना, राम खुश बोले ठीक है भाई, यहां तो बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन है डिबेंचर होल्डर, इसलिए बॉन्ड महंगा बिक रहा है। अब फिर आ गया राम यहां पहुंचा, बोले जैक लिमिटेड, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस बॉन्ड को आज शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते, अगर कन्वर्जन करना? बोले कन्वर्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले जैसे मैंने बॉन्ड खरीदा और मैं आपके पास आया और कन्वर्ट करना है तो कितने शेयर्स मिलेंगे एक बॉन्ड्स के बदले में? तो ये समझा रहा भाई राम, आपको एक बॉन्ड के बदले में, एक डिबेंचर के बदले में 30 शेयर्स मिलेंगे 30 शेयर्स। सर ये कहां से आ गया, ये भी लिखा हुआ कन्वर्जन रेशियो। राम कहता है यार अच्छा, एक बॉन्ड अगर मैं 900 रुपए का खरीदता हूं, मार्केट प्राइस 900 है, और उसको कन्वर्ट करवाता हूं तो एक बॉन्ड के बदले में 30 शेयर्स मिलेंगे। बोले अच्छा मार्केट प्राइस तो पता करते यार, मार्केट प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और शेयर का मार्केट प्राइस भी दिया, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 25। तो वो हिसाब किताब कर रहा, 30 शेयर्स मिलेंगे 25 का एक, तो टोटल मिलाकर मुझे 750 रुपए के शेयर्स मिलेंगे। बोले हाँ। फिर पहुंच गया राम कंपनी में, बोले जैक लिमिटेड ये क्या तरीका है यार, आप बोल रहे थे कि शेयर्स मिलेंगे, मैं बहुत खुश था शेयर्स मिलेंगे, इसलिए मैं जानता था 700 से ज्यादा कीमत होना चाहिए, क्यों, क्योंकि शेयर्स मिलने वाले थे बॉन्ड के बदले में। पर अगर आप खुद सोचो, आप तो बेवकूफ बना रहे हो, फिर से बेवकूफ ऐसे बना रहे हो कि देखो 900 रुपया ले रहे हो और क्या लालच दे रहे हो कि आपको बॉन्ड के बदले में शेयर्स मिल सकते, कन्वर्ट करवा सकते हो। अब मैं ये सोच रहा हूं अगर मैं कन्वर्ट कराऊं तो 30 शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर का कीमत कितना है 25, तो भैया 750 रुपए के तो शेयर्स मिल रहे हैं, तो आप हमसे 900 क्यों चार्ज कर रहे हो, अभी भी महंगा है। सर इसको नाम क्या दे रहे हो 750, हाँ इसका भी तो नाम लिख देते यार तब अच्छा लगेगा, इसका नाम होता है बेटे, इसका 750 का नाम कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, या फिर स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये एक नाम है इसका 750। तो अब राम बोल रहा है यार आप तो ज्यादा ले रहे हो 750, आप 750 से ऊपर क्यों ले रहे हो भाई, 700 समझ में आया, समझाया, पर अगर मैं शेयर्स में कन्वर्ट करा दूं तो 750 रुपया ही तो बनता है, और आपके यहां बॉन्ड की जो कीमत चल रही है मार्केट में वो तो 900 चल रही है, अभी भी महंगा है, अब क्यों महंगा है? बोलता सुनो सुनो राम, अब फिर समझा रही है कंपनी, बोले मेरे बॉन्ड का प्राइस मार्केट में, मेरे डिबेंचर का प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब सोचो आप क्या बोल रहे हो, अगर बॉन्ड, बोले इससे अच्छा, राम कह रहा है इससे अच्छा तो मैं शेयर ही क्यों ना खरीद लूं मार्केट से 750 रुपए खर्च करके, बेवकूफ लग रही है, मैं आपका बॉन्ड खरीदूंगा 900 रुपए खर्च हो गए और फिर शेयर्स में कन्वर्ट करवाऊंगा तो इतने ही शेयर्स मिलेंगे इतने रुपए के, तो मैं मार्केट जाके शेयर ही खरीद लेता हूं ना, वो ज्यादा अच्छा है, आप 750 से ज्यादा नहीं ले सकते। अब जैक लिमिटेड समझा रहा है, जैक लिमिटेड कह रहा कि सुनो भाई, सुनो राम एक बात समझ लो, ये बताओ अगर आप मान लो शेयर ही खरीद लेते, 30 शेयर ही खरीदोगे ना? बोले हाँ।
750 रुपए खर्च करोगे? बोले अगर आप शेयर्स खरीद लेते हो तो पक्का शेयर्स पे आपको फ्यूचर में कुछ मिलेगा? बोले हाँ, क्या मिलेगा? बोले मुझको ना डिविडेंड मिलेगा। बोले कितना? बोले एक शेयर पर 1 रुपए। ठीक है, तो 30 शेयर खरीदने पे अगर आप शेयर खरीदते हो तो 30 रुपए हर साल डिविडेंड मिलेगा। बोले हाँ, 30 रुपए हर साल डिविडेंड मिलेगा। अब बोले देखो, अगर मेरे बॉन्ड्स खरीदते हो तो मालूम है, एक बॉन्ड के लिए आपको 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपकी इनकम कितने की होगी? 85। क्या खरीदने से? बॉन्ड्स। और शेयर खरीदने से इनकम कितने की हो रही है? 30। बताओ किसमें फायदा? और सुनो, फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप कन्वर्ट भी करवा सकते हो। राम सोच रहा, अच्छा ये बात है। हाँ बोले, अगर आप मार्केट से शेयर खरीदते नो डाउट 750 रुपए खर्च होता, पर आपको 30 रुपए की ही कमाई होती क्योंकि 30 शेयर खरीदते, और यहाँ तो 85 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो क्या अच्छा है? और रिस्क भी नहीं है, इधर रिस्क भी हो सकता है। बोले हाँ बात सही है, इसलिए बोले शेयर की कीमत महंगी है, इसलिए हमारे सॉरी बॉन्ड्स की कीमत महंगी है, हमारे डिबेंचर की कीमत महंगी है, और इसलिए ये डिबेंचर की वैल्यू 900 रुपए चल रही है मार्केट में। बोले मतलब आपके यहाँ का डिबेंचर, आपका जो डिबेंचर है वो 750 से भी महंगा है? बोले हाँ, ये आपके कन्वर्जन वैल्यू से भी महंगा है। अच्छा, बोले कितना महंगा? बोले 150 रुपए। तो बोले परसेंटेज में बताओ। अच्छा, परसेंटेज में कैसे पूछ सकता है? तो परसेंटेज में आपसे पूछ सकता है प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू बोल सकता है या प्रीमियम ओवर स्टॉक वैल्यू बोल सकता है? कैसे निकलेगा? 900 माइनस 750। अब डिवाइड किससे करें बेटे? प्रैक्टिस मैनुअल में 900 से भी डिवाइड किया, 750। आप भी कुछ भी कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा लग रहा प्रीमियम और कन्वर्जन वैल्यू बोलो। और कन्वर्जन वैल्यू कितनी है मेरे लिए? 750 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा ये 900 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। बेटे ये आ गया 20%। अगर मांगेगा तो हम इस तरह से निकालेंगे 20%। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू या स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये हो गया प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, ये वैल्यू हो गई कन्वर्जन वैल्यू, और ये निकाला प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, चार चीजें समझ में आई। अब सुनो, अब मैंने कहा चलो यार बॉन्ड्स खरीद लेता हूं, देंगे तो कितना दे रहे हैं? तो दे रहे हैं तो भी 900 ही रुपए तो देना पड़ रहा है, और मैं बॉन्ड खरीदने को तैयार हो गया। एक दोस्त बोलता है मुझसे, राम से, बोले राम बॉन्ड खरीद रहे हो? बोले हाँ, मैं उसको बता रहा हूँ मैं तो बॉन्ड खरीद रहा हूँ, और मेरे साथ है कि मैं डिबेंचर खरीद रहा हूँ, 900 रुपए दे रहा हूँ। बोले क्या फायदा है भाई, सस्ता क्यों नहीं खरीद रहे हो? बोले सुनो, उसके बदले में शेयर्स भी मिल जाएगा। बोले कितने शेयर्स? बोले 30 शेयर्स। बोले फिर बेवकूफी कर रहे हो? बोले देखो ऐसा है, आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो? बोले 900। और बॉन्ड खरीद के किस में कन्वर्ट कराओगे? बोले शेयर्स में। और बोले कितने शेयर्स मिलेंगे? 30 शेयर्स। तो इनडायरेक्टली आप एक शेयर के मालूम है कितने रुपए दे रहे हो? 30 रुपए दे रहे हो। बोले अच्छा, बोले आप खुद सोच के देखो ना कि यार आपने 900 रुपए खर्च किए और क्या खरीदा? बॉन्ड्स, बॉन्ड खरीद लिया, डिबेंचर खरीद लिया, और बाय चांस आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हो 30 शेयर्स में, तो इनडायरेक्टली तो आपने 30 रुपया दे दिया एक शेयर का, जबकि एक शेयर की मार्केट में कीमत कितनी चल रही है? 25। आप तो 5 रुपया महंगा खरीद रहे हैं शेयर्स। हाँ, कोई शक नहीं है कि आपको फायदा है, आपको इनकम का फायदा है, ठीक है, पर इनडायरेक्टली अगर मैं अपने एंगल से बोलूं तो आप एक शेयर का तो ज्यादा पैसा दे रहा। बोले ठीक है, मैं दे तो रहा हूं, पर ठीक है, पर फायदा तो होने वाला। बोले ठीक है, इनकम में फायदा हो जाएगा आपको। तो सर इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम, दो नाम है। पहला इसको बोलते हैं कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। पैरिटी मतलब मैं समझाऊंगा, पैरिटी प्राइस भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मार्केट कन्वर्जन प्राइस पर शेयर। समझाता हूँ बेटे, पैरिटी का मतलब क्या समझते हो? सर पैरिटी का मतलब इक्वल होना चाहिए। बताओ बॉन्ड के लिए कितना रुपया दे रहे हैं?
900, और शेयर कितने आएगी? 30, और एक शेयर का प्राइस कितना? पैरिटी मतलब ये और ये, तो क्या आप इक्वेट कर रहे हो पैरिटी? तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, बॉन्ड के लिए कितना रुपया जा रहा है? 900, और अल्टरनेटिव या तो 900 रुपए यहां खर्च करो या तो 30 शेयर्स, और एक शेयर की प्राइस कितना पैरिटी करना है मुझे, तो निकल सकता है कितना आ जाएगा आपका? 30 रुपए। तो अगर मैं बोलूं मैं एक्चुअल में निकाल क्या रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं इनडायरेक्टली शेयर के लिए कितना पैसा दिया एक शेयर के लिए, ठीक है? तो बताओ बॉन्ड कितने का खरीदा? 900, और उसको अगर मैं कन्वर्ट करवा लेता हूं 30 शेयर्स में, तो बोलो इनडायरेक्टली कितना रुपए दिया? 30 रुपए दिया। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको या तो बोल सकते, इसका नाम है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर, या फिर इसको बोल सकते मार्केट कन्वर्जन प्राइस पर शेयर। बात एक ही है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस पर शेयर। ये जो 30 रुपए दे रहा हूं ये मैं इनडायरेक्टली पे कर रहा हूं, अगर मैं बॉन्ड खरीद लेता हूं तो मैं शेयर का दे रहा हूं, ठीक है सर? इसका मतलब सर आप इनडायरेक्टली प्रीमियम पर शेयर खरीद रहे हो, बिल्कुल सही, क्योंकि शेयर की एक्चुअल कीमत चल रही है 25 और आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो 30। यस, तो मैं प्रीमियम दे रहा हूं, प्रीमियम, और प्रीमियम कितना दे रहा हूं तो देख लेते हैं, ये भी निकाल लेता हूं। कन्वर्जन, इसको बोलूंगा कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। वैसे तो पैरिटी प्राइस है 30, इनडायरेक्टली 30 दे रहा हूं, पर है मार्केट में कितने का है? 25। तो भाई मुझसे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं भाई इनडायरेक्टली। बोले अच्छा, क्या परसेंटेज में बता सकते हो? यस, परसेंटेज में बता, प्रीमियम परसेंटेज में, रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम, रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, या रेशियो मतलब परसेंटेज। तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? 5। डिवाइड किससे कर दो? 25 से होना चाहिए भाई, 25 रुपए का शेयर है, आप 30 रुपए में इश्यू कर रहे हो, तो 5 रुपए ज्यादा दे रहे हो। परसेंटेज देख लेते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 25, 20%। सर अल्टीमेटली तो यही है। हाँ बेटे, अल्टीमेटली वही हो रहा, कन्वर्जन प्रीमियम तो कैसे भी कर लो एक ही है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है कि यार इनडायरेक्टली मैं 5 रुपया ज्यादा दे रहा हूं, भाई बात खत्म। अब एक बात बताओ, अगर देखा जाए सारी बातें, मैं बॉन्ड्स खरीदता हूं तो अगर मैं शेयर खरीदता हूं, एक शेयर खरीदता हूं मान लो एक, तो मुझे फ्यूचर में डिविडेंड कितना मिलेगा? 1 रुपए अगर शेयर खरीदता हूं तो। अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 85, 85 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, और 85 रुपए एक शेयर पे नहीं मिलेगा, वो तो 30 शेयर्स पे मिलेगा, क्योंकि एक बॉन्ड कितने के बराबर? 30 शेयर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं, इफ वी बाय बॉन्ड, अगर मैं डिबेंचर खरीदता हूं तो इंटरेस्ट मिलेगा 85, तो उस हिसाब से इनकम पर शेयर निकाल सकते हैं। इनकम पर शेयर 85 डिवाइडेड बाय 30 शेयर्स, क्योंकि 30 शेयर्स के बराबर है ना एक बॉन्ड, तो इनकम पर शेयर आ गया 85 डिवाइडेड बाय 30, 2.833, 2.833। अगर मैं क्या खरीदता हूं? बॉन्ड। अगर मैं शेयर खरीदता हूं तो एक शेयर पे इनकम, इनकम पर शेयर
1 रुपया मिलेगा, और यहाँ इनकम पर शेयर कितना है, 2.833। तो क्या बॉन्ड खरीदने में फायदा है? यस, फेवरेबल इनकम है। और कितना फेवरेबल इनकम है जरा देख लेते हैं। फेवरेबल इनकम पर शेयर 2.833 माइनस 1, तो 1.833। मैं बहुत खुश हूं बॉन्ड खरीदने से, डिबेंचर खरीदने से। इसलिए खुश हूं क्योंकि डिबेंचर खरीद रहा हूं तो मेरी कमाई होगी 2.833 पर शेयर, इक्विवेलेंट करने के लिए किया। जबकि मैं शेयर खरीदता हूं तो 1 रुपये ही इनकम होगी। तो बॉन्ड खरीदने से मेरी इनकम फेवरेबल है, और कितने रुपए हर एक शेयर पे, 1.83। मैं बहुत खुश हूं कि यार मेरा फायदा हो रहा है, हर साल मेरा 1.833 का फायदा होगा। अब दोस्त समझाता है, बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनडायरेक्टली बॉन्ड खरीद के आपने एक शेयर पे 5 रुपए ज्यादा भी तो दिया है। देखो 5 रुपए ज्यादा दिया। मैंने कहा हाँ, आपकी कमाई हो रही है तो कितनी हो रही है, 1.833, और जबकि आपने टोटल में अगर 5 रुपए ज्यादा दे दिया है। अब सुनोगे ध्यान से बेटे, मैंने कहा ठीक है ना, ठीक है 5 रुपए गया ना, 5 रुपए तो एक ही बार गया। बोले हाँ, और मेरा तो ये हर साल की कमाई होगी, तो ये 5 रुपए तो मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर लूंगा, एक आध 2 साल में, 2 ढाई साल में। बोले बताओ कितने साल में रिकवर कर लोगे। हाँ मैंने कहा, मैं निकाल सकता हूँ पे बैक पीरियड, ये जो प्रीमियम दिया है इसका पे बैक पीरियड। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ प्रीमियम पे बैक पीरियड। कितना रुपए, 5 रुपए प्रीमियम जा रहा है, एक ही बार जाएगा ना, और हर साल की एक्स्ट्रा कमाई कितनी होगी, 1.833। तो कितने साल में रिकवर हो जाएगा ये, 5 डिवाइडेड बाय 1.833, तो बेटे ये रिकवर हो जाएगा 4.364 ईयर्स में। बोले इतने साल में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। बोले ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, और एक सुनोगे डाउन साइड रिस्क भी होता है। अब डाउन साइड रिस्क के लिए जगह नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से अब इतना समझाने के बाद तो डाउन साइड रिस्क आप समझ जाओगे। अब सुनो रिक्वायरमेंट क्या था, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर पॉइंट नंबर ए, मतलब ये हुआ कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ये था मेरा पॉइंट नंबर ए, 750। कि आज अगर मैं शेयर्स में कन्वर्ट कराऊं तो मेरे कितना वैल्यू है। मार्केट कन्वर्जन प्राइस, मार्केट कन्वर्जन प्राइस, ये बेकार की बात है, यहां पर शेयर लिखा होना चाहिए था पर नहीं लिखा है। अब नहीं लिखा है तो सर मार्केट कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड तो होगा नहीं, क्योंकि कन्वर्जन प्राइस ऑफ बॉन्ड तो कुछ और ही निकल गया है, तो ये पर शेयर ही होगा। इट मींस मार्केट कन्वर्जन प्राइस पर शेयर, इसकी बात हो रही है। ये था मेरा बी, ये था ए, ये था बी। कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, कन्वर्जन प्रीमियम एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली आप एक्स्ट्रा कितना पे कर रहे हो, ये निकला था पॉइंट नंबर सी। रेशियो ऑफ, मतलब वो परसेंटेज मांगा है, ये निकला है पॉइंट नंबर डी। प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, स्ट्रेट वैल्यू वो निकला है बेटे, इसका है ई। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, ये निकला फेवरेबल इनकम, ये आया मेरा, ये कौन सा था एफ। कितना फायदा हो रहा है अगर मैं बॉन्ड खरीद लेता हूं। प्रीमियम पे बैक, कितने साल में रिकवर हो जाएगा, ये निकल गया जी। सर ये तो मांगा ही नहीं था बेटे, नहीं मांगा था पर कभी कभी क्वेश्चन में मांग लेता। और एक क्या चीज है, एक और एक चीज पूछ लेता, डाउन साइड रिस्क। अब एक बात समझो सर, इनका क्या यूज है, यूज कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, पर एक बात बताता हूँ कंपैरिजन करने के लिए, कि हम देखते हैं यार इस कंपनी में इतना प्रीमियम है, दूसरी कंपनी में उतना प्रीमियम है, तो दोनों में से कौन सी कंपनी का हमें बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीजें डाउन साइड रिस्क शायद किसी और कॉन्सेप्ट में मैं कवर कर लूंगा, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में यही बातें थी, फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा है, वो आप बुक से देख के प्रैक्टिस मैनुअल से देख रहे। मैंने फिर से कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सीधा क्वेश्चन उठा के समझाना, एक्चुअली ना धीरे धीरे कॉन्सेप्ट होता है, एक क्लास दो क्लास और उसके बाद फिर क्वेश्चन होते हैं तो ज्यादा मजा आता, पर ठीक है बच्चों की डिमांड है, जरूरी था इसलिए मैंने। थैंक यू।